बाबा जी का यह उद्देश्य आध्यात्मिक गुरु हो भारत देश, बच्चों चरित्रवान बन जाओ, देश सेवा कर नाम कमाओ। गुरुदेव परम पुरुष गुरुदेव जी जय गुरुदेव नाम अलख अगम के पार में करता तुम्हें प्रणाम। आप ये समझो कि अहंकार में आदमी को कुछ मिलता है तो कटोरी यानी अगर घड़े के ऊपर रखी रहे और घड़े से कहे कि हमको पानी दे दो तो घड़ा भरा हुआ कटोरी को पानी देगा? कभी नहीं। लेकिन अगर कटोरी नीचे आ गई तो वो झुक करके घड़ा और कटोरी को भर देता है। छोटे बन जाने पर तो जैसे झुक करके यानी समझो कि घड़ा ने पानी दे दिया कटोरी को, ऐसे ही छोटा बन जाने पर यानी दया वो दे देते हैं, अपना बच्चा समझ करके दे देते हैं। जैसे अपना बच्चा कीचड़ में गिर जाए, गंदगी में गिर जाए और चिल्लाए दीनता से आवाज लगावे यानी तो वो समझ लो कि दे देते हैं किसको, यानी वो उठा लेते हैं किसको, बच्चे को कीचड़ में से उठा लेते हैं, कीचड़ में खुद घुस जाते हैं और बच्चे को निकाल लेते हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल यह हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि परमात्मा इस धरती पर आता है, परमात्मा आता है तो भाई परमात्मा खुदा के तो बहुत सारे अहलकार हैं, कर्मचारी हैं, सहायक शक्तियां जिनको कहते हैं, यह भी हमने सुना जाना है तो उनसे क्यों नहीं काम लेता है? तब उन्होंने कहा कि काम तो लेता है, उनसे भी काम लेता है, लेकिन जब ज़्यादा मुसीबत आ जाती है, ज़्यादा तकलीफ हो जाती है, जब आने समझो कि जान जाने की होती है तब वो खुद समझ लो कि आता है बचाने के लिए। बोले हमारे समझ में नहीं आ रहा है। अकबर बड़ा बुद्धिमान था, राजा बादशाह, तो बुद्धिमान ही मंत्री को रखे हुए था, जो बीरबल उनके मंत्री थे वो और ज़्यादा बुद्धिमान थे, तो उसको बहुत संतुष्ट रखते थे और वो बड़े धार्मिक विचारधारा के थे, इसलिए मुस्लिम धर्म को मानने वाला अकबर बादशाह भी उन्हीं के प्रभाव से यानी उतना जालिम साबित नहीं हुआ जितना अन्य बादशाह हुए। तब बीरबल ने सोचा कि समझाएंगे तो मानेगा नहीं, प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए तो मान लेगा, क्योंकि बड़ा तर्क वितर्क करता था, बुद्धिमान था ना, और टका शहर बाजी टका शहर खाजा वाला राजा तो था नहीं। कुछ बादशाह राजा ऐसे भी हुए, बोले कि यानी समझो कि बेचो एक ही रेट में, सब बेचो सामान एक रेट में बिकेगा, किसी ने कह दिया सरकार दाम में बड़ा अंतर है आपके यहाँ बाजार में, तो कहा नहीं एक रेट में बिकेगा,
तो टका चलता था उसमें, रुपये को टका कहते थे। तो एक ही रुपये में सब्जी भी मिलती थी, एक ही रुपये में खाजा मिठाई भी मिलती थी, एक ही रुपये में आटा चावल भी किलो में मिलता था, शेयर चलता था उस समय। ऐसा भी राजा हुआ कि कहा गया था घूमने शाम को, तो सियार बोल रहे थे, गिदड़ जिसको कहते हैं बोलते हैं गांव में, तो गांव की तरफ डर गया था। तो कहा ये कौन है? कहे सरकार ये बहुत दुखी हैं, ठंडी से रो रहे हैं, ये भी आपके राज्य के ही हैं जीव, ये रो रहे हैं। कहें ये क्या चाहते हैं? बोले एक कंबल चाहते हैं, बोले बंटवा दिया जाए कंबल इनको, ऑर्डर कर दिया आप कंबल खरीद के, कर्मचारी लोग गए बांट लिया आपस में। और उसके बाद में जब फिर गया दो दिन बाद, तब फिर बोले आप ये क्यों रो रहे हैं? बोले अब रो नहीं रहे हैं, आप हजूर को आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपने बहुत बढ़िया गर्म कंबल दिया। ऐसे भी हुए, कुछ ऐसे हुए कि जो तर्क वितर्क बहुत करते थे, मंत्री के कर्मचारियों के कहने पर मानते नहीं थे, तो बीरबल तर्क के साथ अनुसिद्ध करके दिखा देता था। तो कहा देखो सरकार हम आपको बताएंगे, कुछ समय दे दो। बोले ठीक है। तो अकबर के महल के पीछे एक बगीचा था, उसमें एक तालाब था, तो तालाब के किनारे बीरबल ने एक पुतला बनवाया और तार के द्वारा उसको दूसरी जगह फिट कर दिया और एक आदमी को बैठा दिया। और बीरबल ने कहा देखो हम जब इशारा करेंगे तब इस तार को तुम खींच लेना, और जब खींचोगे तो ये पुतला गिर जाएगा तालाब में, तुमको और कोई काम नहीं करना है, बस खाली जब हम इशारा करेंगे तो तार खींच देना रहेगा। तो जब इतनी कार्रवाई पूरी हो गई तो बीरबल ने अकबर से कहा कि हुजूर चलें जरा बाग घूमे हुए, सुबह का शहर बहुत अच्छा होता है सरकार, स्वास्थ्य के लिए बहुत वर्धक होता है, स्वास्थ्य वर्धक होता है, खुली हवा मिलती है, बगीचे की हवा, तो चलो घूम आओ। चल दिया, ठंडी का महीना था, गर्म कपड़े पहने चल दिए। जब बगीचे में पहुंचे तो ऐसे ही सरसरी नज़र से देखा, तो कहा बताओ, सोचा कि हमारा लड़का तो बहुत सुबह सुबह यहाँ आ गया और देखो यहाँ खेलने लगा बैठ के। थोड़ी दूर और आगे गए, जब दोबारा नज़र पड़ी लड़के के ऊपर तो बीरबल ने इशारा कर दिया खींच दो, इशारा किया खींच दो तार। अब जैसे तार खींचा तैसे तालाब में लड़का गिर गया एकदम। और बीरबल के साथ वो लोग थे ही थे, राजा के साथ तो लोग रहते ही हैं, तो और किसी से कुछ नहीं कहा अकबर ने, बीरबल से भी कुछ नहीं कहा, और खुद जाकर के ठंडे पानी में तालाब में कूद गए। और उस पुतले को जब उठाया लड़का समझ करके कि मेरा लड़का गिर गया तालाब में, तब बीरबल पर नाराज हुए, सुबह सुबह ठंडी के महीने में और हमको तालाब में कूदा दिया तुमने, ऐसा क्यों किया? तो वैसे तो राजा लोग जो होते थे तुरंत सजा बोल देते थे, लेकिन बीरबल की बात पर सजा नहीं बोलते थे, समझते थे कोई बातों में बात है। जैसे कहा गया ना कि जो केले के पात पे, पात पात में पात, और क्यों संतों के बात में बात, बात में बात, संतों के बात में बात होती है। बहुत से लोग तो कुछ भी कहते रहे बुरा मानते नहीं, जो जान जाते हैं उन्हें लोग नाराज भी हो जाते हैं। तो अब आप ये समझो कि ऐसे ही यानी उनको इस बात का एहसास हो गया था अकबर को बीरबल के लिए कि इसमें भी कोई बात होगी, कोई रहस्य होगा। पूछा तुमने ऐसा क्यों किया?
कहा सरकार आपको कुछ बताने के लिए, प्रमाणित करने के लिए बताया, ये सब किया आपको मैं लाया दिखाने के लिए कि जिस तरह से आप अपने बच्चे को तालाब में गिरते डूबते नहीं देख सके, सहायक शक्तियों से आपने काम नहीं लिया, आपने ऐसे ही वो मालिक जब देखता है कि जीव डूब रहे हैं, नरक जा रहे हैं, तो उनको निकालने के लिए, बचाने के लिए यानी खुद इस धरती पर आया करता है। अब ये जरूर है कि जिसने, जिन लोगों ने उसको देखा नहीं, वो क्या पहचान पाएंगे। तो वो आदमी में ही उस ताकत को भरता है कि जिससे यानी इन लोगों को विश्वास हो जाए, जिनकी बातों पर यकीन हो जाए, जिनके अन्य कार्यकलाप पर, उनकी गतिविधियों पर अन्य लोगों को विश्वास हो जाए, और विश्वास जब हो जाए और वो कोई बात बता दें, कह दें उनके हित के लिए, फायदे के लिए, तो उस काम को वो करने लग जाएं और वो डूबने से बच जाएं। तो ये काम कौन करता है? ये काम जो है वो समर्थ गुरु, मुर्शिद कामिल, सच्चे गुरु होते हैं, वो करते हैं। तो आप प्रेम में उस बात को समझो कि जितने भी लोग आए, चाहे वो फकीर रहे हों, चाहे औलिया रहे हों, चाहे पीर रहे हों, पैगंबर रहे हों, और चाहे औतारिक शक्तियाँ रही हों, चाहे ऋषि मुनि रहे हों, योगी रहे हों, लेकिन सब लोगों ने ऐसों की तलाश किया, अन्य समझो जिनको गुरु कहा गया और उनसे ज्ञान लिया, उनसे रास्ता लिया। अब ये जरूर है कि जिनके पास जितनी जानकारी थी दिया उन्होंने और लोगों ने लिया, लेकिन बहुत युग बीत गए, कितने सतयुग त्रेता पर कल युग युग बीत गए, और जीवात्मा अभी वहाँ तक नहीं पहुँच पाई उस समुद्र में, ये यहीं भटकती रहे, जैसे पानी का उदाहरण हमने दिया, वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। अब प्रेमियों आपको मौका मिला है गुरु महाराज जैसे, जिनकी देखो ये तस्वीर लगी हुई है आपके सामने, गुरु महाराज जैसे आपको संत बहुत से मिल गए। अब आप उनकी बातों पर विश्वास करो। आपने अभी तक विश्वास किस बात पर किया? धन बढ़ने पर, पुत्र परिवार बढ़ने पर, मान प्रतिष्ठा बढ़ने पर, नौकरी मिल जाने पर, व्यापार चल जाने पर, खेत की पैदावार बढ़ जाने पर, मुकदमा जीत जाने पर, आप समझो पैदावार खेत में बढ़ जाने पर, अन्य संकट दूर हो जाने पर, दुनिया का संकट, शरीर का संकट दूर हो जाने पर विश्वास किया, लेकिन आत्मा को आप समझ नहीं पाए, आत्मा को देख नहीं पाए, वो संकट में पड़ी हुई है, वो बंधन में पड़ी हुई है, शरीर के अंदर वो पड़ी हुई है, उसकी गांठ को जब खोलोगे, उसको जेल खाने से जब निकालोगे और अपने घर अपने मालिक के पास जब जाएगी, तब आपको सुकून और शांति मिलेगी, आपका काम पूरा होगा इस मनुष्य शरीर के पाने का। इसलिए आपको जिनको नामदान मिल गया, आप सब लोग बराबर भजन ध्यान सुमिरन करो, जो गुरु महाराज बराबर कहते रहे और गुरु महाराज जो मतलब आपसे कराते रहे, उसको आप करो। अब आप ये समझो कि मैं आपसे क्यों निवेदन प्रार्थना गुजारिश करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि जाने के बाद मेरे लिए कह गए थे इस काम को करने के लिए, लोगों को संभालने के लिए, नए लोगों को नामदान देने के लिए, तो उस काम को मैं कर रहा हूँ, अपना फर्ज समझ करके कर रहा हूँ। नए लोग जो आ जाते हैं नामदान दे देता हूँ, और आप पुराने लोग हो आपको आगाह करता हूँ, आपको बराबर याद दिलाता हूँ कि आप यानी हमेशा मौत को सामने रखो, हमेशा गुरु को सामने रखो, तो आपको कोई चीज़ की दिक्कत परेशानी नहीं होने पाएगी, क्योंकि गुरु एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी ताकत है कि जो यहाँ भी
सुख शांति दिलाते हैं और अंदर में भी जीवात्मा को खींच कर ले जाते हैं। नहीं तो यहाँ तो आपको मिल जाएंगे सलाहकार, यहाँ तो आपको ज्ञानी मिल जाएंगे, कुछ रास्ता बता देंगे। आप समझो मजार पर चद्दर चढ़वा करके यानी हनुमानगढ़ी पर प्रसाद चढ़ा करके गंगा जमुना में नहला करके देवताओं को हवन यज्ञ करके खुश करके यानी समझो कि जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश को नाराज नहीं होने देंगे, अन्न धन की कमी नहीं होने देंगे, ये तो आपको दे देंगे, भरपूर मिल जाएगा आपको जितना जरूरत है, लेकिन आत्मा का खुराक नहीं मिलेगा। और आत्मा को यानी वो खींच करके ऊपर नहीं ले जा सकते हैं तो आप समझो कि ये फिर नीचे गिर जाए। देखो आपने देखा होगा जाते समय ऐसे कहीं देखा होगा, दिखाते हैं कौन यानी नट जिनको कहते हैं, खंभा ऐसे गाड़ देते हैं और उस पर रस्सी बांध देते हैं और बच्चे से कहते हैं कि चढ़ जा इस पर और रस्सी पर जा, और वो रस्सी पर ऐसे चलता है ऐसे ऐसे रस्सी पर और धीरे धीरे वो इशारा करता रहता है, धीरे धीरे जरूरत पड़ने पर बोल भी देता है कि बच्चा कहीं गिर न जाए, छोटा बच्चा रहता है। अब आप ये समझो ऐसे वो जो डोर है सूरत की यानी शब्द की जो सूरत को पकड़ाते हैं वो डोर कहीं छूट न जाए, इसलिए गुरु हमेशा यानी संभाल करते रहते हैं। जैसे वो नट बैठा रहता है और बच्चे को इशारा करता रहता है और वो करता रहता है और आप ये समझो कि ऐसे चलता भी रहता है, ऊपर से गिरने लग जाए तो ऐसे हम उसको संभाल लें, गोदी में ले लें। ऐसे ही गुरु मदद करते हैं वहाँ भी और ऊपर भी ज़रूरत पड़ती है, यहाँ भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन गुरु की दया लेने के लिए और गुरु को खुश करने के लिए तो कुछ त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी चीज़ को पाने के लिए छोटी चीज़ का त्याग करना पड़ता है। तो अब आप ये समझो कंचन तजना सहज है और सहज त्रिया कान्य मान बड़ा ईर्षा दुर्लभ करना जाए। आप ये समझो मान बड़ाई और ईर्षा और यह अहंकार यह आदमी को आगे बढ़ने देता है कभी भी नहीं। इसलिए मन अगर उधर जाए तो मन को ही मार दो, उधर से बढ़ने ही न पाओ, एकदम मोड़ दो दूसरी दिशा में कर दो। कहा लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। मन की यह आदत बनी हुई बहुत दिनों से यह बनी हुई, ये जो माया का यानी समझ लो कि अंश है यानी काल के एजेंट समझ लो, यानी जो है ये तो फंसाए रखना चाहता है, ये गांठ को तो खुलने नहीं देना चाहता है और इसी यानी जड़ में दुनिया जो लोग एक तरह जड़ जैसी शरीर एक तरह जड़ जैसी, बगैर इसको उठाए बगैर चलाए ले जाए ऊपर जा ही नहीं सकती, जगह नहीं छोड़ती एक तरह, कहाँ घूम रही है, बस यहीं वहीं घूमती रहती है, धरती वहीं घूमती घूमेगी तो वहाँ पर, लेकिन धरती का उड़ के ऐसे ऊपर चली जाए कैसे जाएगी। ऐसे ही तो अब आप भी समझो ऐसे ये उड़ के नहीं जा सकती है, जीवात्मा इसी के अंदर रहेगी तो एक तरह से जड़ सी हो गई, ये चेतन को नहीं पकड़ पाती है, शब्द बराबर हो रहा आवाज़ बराबर हो रही तो इसको पकड़ नहीं पाती है। तो यह मन तो मान ही चाहता है, मन क्या चाहता है, धन चाहता है लाभ चाहता है। तो आप ये समझो कि कहा कि लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। देखो लाभ जब होने लगता है तो लालच बहुत बढ़ जाती है, मन इच्छा पैदा करता है कि इतनी आमदनी इतना मुनाफा हो रहा है तो और मुनाफा बढ़ा लें, थोड़ा थोड़ा उसमें मिलावट कर दें, लाओ थोड़ा रेट बढ़ा दें,
ना थोड़ा कम तौल दें। मन यह इच्छा पैदा कर देता है और आदमी उसी तरह से करने लगता है। नौकरी में कोई आप ये समझो कि काम अच्छा कर दिया किसी ने, तो लोग खुश होकर के दे देते हैं। गुरु महाराज के पास रहने का बहुत मौका मिला तो गुरु महाराज बहुत सारी बातें बताते रहते थे। 400 साल दया किया उन्होंने अपने पास रखने का। तो एक दिन बैठे थे तो और लोग खड़े थे वहीं पर, बताने लगे कि हमारे पास एक दरोगा जी आए। तो कहे महाराज रिश्वत के बगैर तो हमारा नहीं चलेगा, रिश्वत तो हमको लेने पड़ेगा, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ाना है लिखाना है, खर्चा हमारा पूरा नहीं होता है, तो रिश्वत तो हमको लेना पड़ेगा। और आप कहते हो रिश्वत नहीं लेना चाहिए। तब बोले कि तुम रिश्वत नहीं लोगे तो भी तुम्हारा ऐसे चलता रहेगा और अच्छा चल जाएगा। कहे नहीं चल सकता, बिल्कुल चल ही नहीं सकता है। तो बोले अच्छा तो तुम ऐसा करना कि कोई खुशी से दे दे, काम कर दो, तुम दबाओ नहीं उसको, मांगो नहीं, और खुशी से दे दे तो ले लेना, काम कर दो उसका, जायज काम करना, नाजायज मत करना, ईमानदारी बरतना। कुछ दिन के बाद फिर आया, कहा कुछ तो फर्क पड़ा महाराज जी, कुछ तो पड़ा फर्क, लेकिन अभी पूरा सही नहीं हुआ। गुरु महाराज ने कहा मैंने सोचा कि नियत इसकी अभी सही नहीं हुई है। फिर आया, अब आने तो लगा, देखो संत जब पकड़ते हैं जिस जीव को छोड़ते नहीं, दुनिया की चीज़ों में मन लगा रहता है, वही थोड़ा थोड़ा चारा डालते जाते हैं कि लगा रहे, एकदम बंद कर देने पर भी कट जाता है। तो फिर आया तो फिर बोला, कहा महाराज समझ नहीं आ रहा है क्या करें। बोले अच्छा तुम एक आदमी जब तुम्हारे पास आवे तो तुम केवल 1 रुपया लेना और चाय अलग से पिलाना उसको, पानी अलग से पिलाना, और अगर भूखा है तो रोटी भी खिला देना, और केवल 1 रुपया लेना। तो चला गया, चला गया तो गुरु महाराज बताए। कुछ दिन के बाद आया, कहा महाराज बहुत बरकत हो गई, बहुत बरकत हो गई। जब दबा के लेता था तो लोग गाली भी देते थे, चूसता है, रिश्वतखोर है, यह है, वो तरह तरह की बात करते थे। अब ईमानदारों में मेरा नाम भी हो गया, और चाय पिलाता हूँ, रोटी खिलाता हूँ, उसका बड़ा सोहरा हो गया, और 1 रुपये में हमको बहुत बरकत मिल जाती है, उसी से घर भी बन गया, बच्चे भी पढ़ लिख रहे हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो लालच अगर आदमी कम कर दे तो समझो कि सब बात बन जाए, लेकिन लालच बढ़ जाती है। तो जैसे किसी ने दे दिया खुशी में तो सोचता भाई 1 रुपया आज मिला, अब हम 10 रुपया ले लें, तो धीरे धीरे लालच बढ़ जाता है। आप ये समझो किसी का भी हो, सत्संगियों का भी लालच बढ़ जाता है जब मिलने लगता है, और जब ऐसा होने लगता है तो लालच बढ़ जाता है। तो जब लालच बढ़ता है तो सही गलत ढंग का काम करता है, और लालच करके जब लाता है उस चीज को और उसके प्रारब्ध का रहता नहीं है, वो दूसरे के प्रारब्ध का लाता है, तब वो चला जाता है। जैसे जरूरत का है आपके तो आप अन्न को खा लो, जरूरत है अगर आपको तो आप कपड़ा पहन लो, 4 कपड़ा रखोगे, इसकी जरूरत नहीं है, जरूरत 1 की है 2 की है, और 10 रखोगे, आपका खर्चा महीने का समझ लो कि यानी कम में चल जाता है, और ज़्यादा इकट्ठा करने लगोगे तो जाएगा कि नहीं जाएगा। अरे ये हो जाए, बहुत सेठ आदमी है, करोड़ों रुपया इनके पास है, तो ले जाएंगे लूट कर कि नहीं ले जाएंगे, मार के ले जाएंगे, यानी वो तो जाएगा ही जाएगा, देना ही पड़ेगा, जिस तरह से लाया उसी तरह से देना पड़ता है,
सटा के लाओगे, मार के लाओगे, दिल दुखा के लाओगे, बीमारी में चला जाएगा, लड़का नालायक हो जाएगा, गलत काम करके आएगा, रात दिन यानी उसके पीछे रोना पड़ेगा, जेल में बंद हो जाएगा, रोना पड़ेगा उसकी वजह से। आप ये समझो कि खुद को भी जेल जाना पड़ जाता है, नौकरी छूट जाती है, व्यापार खत्म हो जाता है, और गलत ढंग का पैसा अगर ला करके बच्चे को खिलाया, बुद्धि खराब हो गई, तो उसके साथ जेल भी जाना पड़ जाता है। तो कहा कि लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। देखो मान सम्मान के लिए आप समझो कि मरवा देते, कटवा देते हैं, और आप तो समझो कुर्सी के लिए आदमी क्या क्या नहीं कर डालता है, सम्मान के लिए कर डालता है, लेकिन वो देना पड़ता है, एक दिन चुकाना पड़ता है। हम देखो मार देते हैं, गाली दे देते हैं, और देखो हमने इतने लोगों को मार दिया, इतने लोगों को काट दिया, इतने को कर दिया, तो समझो उसको भी चुकाना पड़ता है, उसके भी जान की आफत आ जाती है। तो कहा लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। तो लाते हैं तब तो खुशी होती है, सम्मान मिलता है तो खुशी होती है, अब बेइज्जती होती है तब तकलीफ होती है, धन चला जाता है तब रोते हैं, लाते समय तो समझो कि खुशी उतनी नहीं होती, जितनी जाती है तब तकलीफ देकर जाती है, तब तकलीफ होती है। यानी डॉक्टर को दे आए और पेट भी फड़वाया, पैर भी कटवाया, 10 दिन घर में पड़े रहे, तो पैसा भी गया, तकलीफ भी झेला, तो ये ज़्यादा तकलीफ दे होता है। इसीलिए बराबर प्रेमी गुरु महाराज के उपदेश को याद रखो, भाई मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो, किसी के दिल को मत दुखाओ, उसको आप खुश रखो, और लाभ और मान उतना ही चाहो कि जिससे समाज में प्रतिष्ठा बनी रहे, और रोटी यानी लाभ उतना ही चाहो, मान इतना ही चाहो समाज में प्रतिष्ठा बनी रहे। आप जिस जगह पर रहते हो उतनी ही प्रतिष्ठा आपकी बनी रहे, तो भी आप लोगों से अलग रहोगे, बदनाम लोगों से, उन लोगों से आप अलग रहोगे, तो भी आप सुख महसूस करोगे कि देखो ये तो इतना गाली खा रहा है, इसको तो लोग मारने लिए तैयार हैं, हमको लोग सलाम प्रणाम तो करते हैं। तो आप ये समझो कि ऐसी इतनी ही इच्छा रखो, मान उतना ही चाहो और लाभ उतना ही चाहो, जिससे रोटी चलती रहे, ढकने के लिए कपड़ा रहे। आप देखो अंदर किसके क्या रहता है किसी को पता है, किसी को नहीं पता है, क्योंकि दौलत को लोग छिपा के रखते हैं, न छिपा के रखें तो वही जान का खतरा पैदा कर देता है। अब आप समझो अच्छा कपड़ा कोई पहने हुए है, अच्छा भोजन खा रहा है, साफ सुथरा अगर मकान है, तो प्रतिष्ठा उसकी बनी रहती है, उसी से उसको सम्मान मिल जाता है। आप सत्संगियों को देखो जो दिन रात सेवा में लगे रहते हैं, जो भजन भाव भक्ति करते हैं, उनको लोग गरीब नहीं समझते हैं। आप ये समझो थोड़ा ही मिलता है, उसी में सब गृहस्थी सेट रहती है। लोग सोचते हैं कि यह कैसे करता होगा, इसके पास बहुत माल होगा। गुरु महाराज का काफिला निकलने को था, तो आदेश दे दिया कि जो भी प्रेमी गाड़ी खरीदना चाहे खरीद लें, जो भी खरीदना चाहे खरीद लें, चलें काफिले में। तो एक दफ्तर का बाबू था, आने समझो कि उसने अपना जोर बटोर के किसी तरह से गाड़ी खरीद लिया, और खरीद करके दरवाजे पर खड़ा कर लिया। अब उसके ऊपर जो है जब वो ओस पड़ने लगी, तो क्या डाल दिया, गोदड़ी वही जो बिछाता था वो डाल दिया। तो पड़ोस में एक इंजीनियर रहता था, तो वो उसने एक दिन पूछा कि गोदड़ी क्यों डाल दिए हो, तो बोले कि गोदड़ी डाल दिए हैं कि ये खराब ना हो, ओस से खराब हो जाएगी ये। तो कहेगा जब तुम कितने गाड़ी लिए, बोला 4.25 लाख रुपए की। तो कहा कि तो 500 रुपये 1000 रुपये में इसका कवर नहीं ले लिए, तो बोला कि नहीं लिए, क्यों नहीं लिए,
अरे 500 रुपये 1000 रुपये में तो हम 150 किलोमीटर तेल डलवा करके चले जाएंगे। अरे तो तू इतना गरीब है कि तेल डलवाने पैसा तेरे नहीं है? तो हमारा तो गुरु महाराज की दया से साहब किसी तरह से चलता है। तो कहा कि जो है कि ये हो नहीं सकता है, तू 4.5 लाख रुपये गाड़ी लाया और तेरे पास तेल का तू झूठ बोल रहा है, तेरे माल माल होगा तो तू जाएगा कैसे, तेल तो भराएगा इसमें, क्यों लिया गाड़ी? तो कहा काफिले के लिए गुरु महाराज के, तो जाएगा कैसे? अच्छा तेल भरा के जाएंगे साहब, दूसरे से भी मांग लेंगे, कुछ बैठा लेंगे। उस खरे नहीं, ये हो नहीं सकता है। फिर जब उसके एक रिश्तेदार थे इंजीनियर के और वो भी सत्संगी थे, जब एक बार आए तो बताए, कहे देखो वो तुम्हारा जो है चेला है बाबा जी का, और गाड़ी खरीदा गुडरी डाल दिया। तो हमने कहा कि भाई बढ़िया गाड़ी इस समय पर उस पर, और फिर गुडरी डाल दिया। पूछा उससे तो ये बताया, तो कहा भाई काफिला भी घूम आया वो, और फिर वो देख रहे हैं कोई उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा है, वो केवल नौकरी कर रहा है और ईमानदारी में भी उसका नाम है। गाड़ी भी खरीद लिया और हम तो इंजीनियर, हमको 32,000 मिलता है और हमारी औरत को 12,000 मिलता है, वो पढ़ाती है, पहले तनख्वाह कम थी तब की बात है, तो 12,000 पाती है और हम गाड़ी नहीं खरीद पाए, और मुश्किल से वो 4-6 हज़ार रुपया पाता होगा बाबू होगा, और देखो उन्हें गाड़ी भी खरीद लिया। भाई बात तो कुछ जरूर है। तो अब आप इस बात को समझो, बरकत खास चीज़ होती है, उधार ले ले करके लोग गए, ये देवियाँ इतना उदार यानी बन गई, उदारता का परिचय दिया। कहा गुरु महाराज का जब आदेश है तो तुम गाड़ी खरीद लो, बाइक खरीद लो और काफिले में चले जाओ, जेवर हमारा बेच दो, हमको जेवर नहीं पहनना है। जिद कर बैठी, विश्वास, विश्वास फलदायकम, विश्वास उनको था कि आदेश का पालन अगर ये करेंगे तो हमारे पास फिर हो जाएगा, गुरु महाराज देंगे, बरकत मिल जाएगी। और चले गए बाइक खरीद करके, और लौट करके आए, एक की जगह कई गहने बन गए, और गए थे कर्जा लेकर के बाइक खरीद करके, और बाइक का कर्जा भी भर दिए, और दूसरी बड़ी दूसरे का अपने बड़ी मोटरसाइकिल लेकर के गए, और फिर लौट करके आए, फिर बरकत हुई तो कार से गए काफिला किया। तो कहने का मतलब यह है, बरकत बड़ी चीज होती है, विश्वास होना चाहिए, विश्वास करो, लाभ और मान की इच्छा छोड़ो और गुरु की बातों को पकड़ो और गुरु के बताए रास्ते पर प्रेमियों चलो, लोक भी बनेगा उनकी दया से, परलोक भी बन जाएगा। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मिला है ये सारा समय अच्छा नहीं है, भूत है सवार लोग सुनते नहीं है, कहीं नैया ना डूबे मझधार, हमारा देश फूले
के प्यारा देश भोले भाले। यही वंदना है गोरों से बारंबार, हमारा देश भोले भाले। के प्यारा देश भोले भाले।